हेलो गाइस, मैं हूं अवल वर्मा और ये जो वीडियो है आज का वो थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक भी काफ़ी सिंपल है और क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस बनाए तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो थोड़ा सिंपल रखा जाए, थोड़ा छोटा रखा जाए। तो गाइस, ये वीडियो जो मेरा आज का है बेसिकली आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, ये है कैसे आप अपने रेस्पबेरी पाई का बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैं बैकअप की बात कर रहा हूँ बेसिकली ये पूरी तरह से जिस भी स्टेट पे आप रेस्पबेरी पाई को शट डाउन करेंगे आप उसी स्टेट पे उसका बैकअप लेके रख सकते हैं। इसके यूजेस क्या हैं और इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली बैकअप लेना क्यों कैसे है आपको और क्यों लेना है। तो सबसे पहले आप चलिए ये दिखाता हूँ कि बैकअप लेना कैसे है। तो आपको पहले जो भी आपने रेस्पबेरी पाई पे काम किया हुआ है जहाँ पर भी आप इसको बैकअप लेना चाहते हैं तो आपको वहीं पे रेस्पबेरी पाई को शट डाउन कर देना है, नॉर्मल शट डाउन कर दीजिए और एसडी कार्ड को अपने रेस्पबेरी पाई से रिमूव कर लीजिए। एक बार आपके पास जब एसडी कार्ड आ जाएगा आपको अपने एसडी कार्ड को अपने लैपटॉप में इंसर्ट करना है। रेस्पबेरी पाई का जो एसडी कार्ड है उसको अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं आपको मैसेजेस मिलेंगे, आप सबको कैंसिल करते चले जाइए और एक बार मेक श्योर कर लीजिए जो एसडी कार्ड आपने इंसर्ट किया है वो एक्चुअली वही एसडी कार्ड है कि नहीं जिसका आपको बैकअप लेना है। यहाँ पे मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ। तो गाइस आपको एक बूट के नाम से एक नई ड्राइव मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको एक और एच ड्राइव मिलेगी जो कि आपको डिस्प्ले नहीं हो, जिसमें आपको कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं बेसिकली रेस्पबेरी पाई में दो पार्टीशन बनते हैं, एक पार्टीशन जो होता है वो नॉर्मल पार्टीशन होता है जिसको आप विंडोज से रीड कर सकते हैं, दूसरा जो पार्टीशन होता है वो x86 x64 बेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनसे आप उसको रीड नहीं कर सकते, इसलिए वो पार्टीशन आपको एक ब्लैंक हार्ड ड्राइव की तरह दिखता है जहाँ पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन हमको किसी भी तरह से कोई भी चीज़ यहाँ पर चेंज नहीं करनी है। अगर आपने कुछ भी यहाँ पर रिमूव कर दिया या कुछ भी डिलीट कर दिया तो गाइज आपका जो एसडी कार्ड है वो करप्ट हो जाएगा। तो गाइज जैसा आप इंसर्ट करते हैं उसको वहीं पर सब कुछ क्लोज कर दीजिए। उसके बाद जिस तरह से आपने एक नया एसडी कार्ड फ्लैश किया था आपको सेम टूल यूज़ करना है। यहाँ पर मेरे पास Win32 डिस्क इमेजर है, आपको Win32 डिस्क इमेजर को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे तो आपको पहली चीज यहाँ पे, वैसे बाय द वे आप जब भी कोई नई इमेज फ्लैश करते हैं आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी होती है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है बट आपको इमेज सेलेक्ट नहीं करनी है बल्कि आपको एक फोल्डर में, जैसे कि यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में जा रहा हूँ, आपको एक फोल्डर में जा करके फाइल नेम में एक फाइल का नाम दे देना है। यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे देता हूँ रेस्पबेरी पाई इमेज बैकअप। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज मेरे को बेसिकली ये जो फाइल यहाँ सेलेक्ट हो चुकी है बट यहाँ पे मुझको राइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है बल्कि रीड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम जल्दी से, यहाँ पे आप रीड ओनली एलोकेटेड पार्टीशन पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप रीड पे क्लिक कर लीजिए। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं एसडी कार्ड पे राइट नहीं कर रहा हूँ बल्कि रीड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही आपका ये पार्टीशन रीडिंग कंप्लीट होगी आपके इमेज का पूरा बैकअप आपके लैपटॉप में सेव हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा इमेज का जो बैकअप है वो पूरी तरह बन चुका है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं जो बैकअप फाइल बनी है उसका साइज क्या है, ताकि जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पे आपको बता सकूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरे जो इमेज का बैकअप का फाइल है उसका जो साइज़ है वो अराउंड 7.32 GB का है और ये काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो एक्चुअली जो इमेज आप रेस्पबियन की जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे रेस्पबेरी पाई पर इंस्टॉल था वो रेस्पबियन ऑपरेटिंग सिस्टम था और उसमें भी मैंने डेस्कटॉप वर्जन नहीं बल्कि कंसोल वर्जन को ही इंस्टॉल किया था, तो जिसका साइज़ मुझे ऑलमोस्ट होता है 600 MB के आसपास या 500 MB के आसपास। लेकिन जब आप बैकअप बनाते हैं तो जो बैकअप की फाइल का साइज़ होता है वो एक्चुअली उतना ही होता है जितने GB का आप एसडी कार्ड अपने रेस्पबेरी पाई में यूज़ करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि किस किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप बैकअप लेते हैं। पहली चीज़, अगर आप बैकअप को यूज़ करना चाहते हैं उसी रेस्पबेरी पाई में जिससे आपने बैकअप लिया है ताकि आप कुछ टाइम के लिए कोई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच कर सकें, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, जो भी आप एसडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप उसका बैकअप लेकर के सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो यूज़ केस है वो कुछ ऐसा है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं
अपने फ्रेंड्स लोगों में इसको शेयर करना चाहते हैं, जो कि ताकि सेम जो भी आपने काम अपने रेस्पबेरी पाई में किया है सेम वो चीज़ आपके फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर कर सकें। तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो SD कार्ड आप यूज़ करते हैं वो सबसे मिनिमम साइज़ का यूज़ करिए। इसका बहुत ही बेसिक रीज़न है, क्योंकि आपने एक बार 8GB का अगर इमेज बैकअप क्रिएट कर दिया तो आपके फ्रेंड्स को भी मिनिमम टू मिनिमम 8GB का SD कार्ड यूज़ करना ही पड़ेगा। तो बेटर ये है जो भी मार्केट में सबसे ईजिली अवेलेबल SD कार्ड है आप उसी का यूज़ करिए, अगर उतने साइज़ में आपका जो यूज़ केस है वो कंप्लीट हो जा रहा है। अगर आपका जो यूज़ केस है यानी कि आपने जो इमेज डाली है उसके बाद उसके ऊपर जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो सबको इंस्टॉल करने के बाद आपको मिनिमम टू मिनिमम 16GB या 32GB तक जाना पड़ रहा है, तब आपके पास गाइस कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, आपको 32GB का ही बैकअप लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर बात आती है इसको शेयर करने की, ऑब्वियसली कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं वो किसी दूसरे कंट्री में हैं और आपको ये इमेज उनको सेंड करनी पड़े, तो ऐसे में 7 to 8GB या 32GB तक अगर आपको इमेज सेंड करनी पड़े तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को शेयर करना। तो ऐसे में आप इस इमेज को कॉम्प्रेस कर सकते हैं। आप जैसे ही इस इमेज को एक कॉम्प्रेस जिप फाइल में डालेंगे इसका साइज़ काफ़ी कॉम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि जो भी ब्लैंक स्पेस आपके SD कार्ड पर होती है वो पूरी की पूरी स्पेस हट जाती है। तो गाइज यही इस वीडियो का मेरा जो मोटो था वो यही था कि अगर आप अपनी जो भी बैकअप लेते हैं उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप उसको शेयर करना चाहते हैं दोस्त अपने लोगों में या अपने फ्रेंड्स लोगों में तो हमेशा मिनिमम SD कार्ड का यूज़ करिए। तो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा यूज़फुल रहा हो, और आई नो ये थोड़ा सिंपल वीडियो था, बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि कैसे आप अपने इमेजेस का बैकअप ले सकते हैं ताकि आप अपने सिंगल रेस्पबेरी पाई पे बहुत सारे तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करके देख सकें, और जब आप उसको ट्राई करें तो आपको जो पुराना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको लूज़ ना करें, जो भी उस पर आपने काम किया है आप उसको लूज़ ना करें। गाइस होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, तो अगर पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों में, और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।